बैक टू माई चैनल, माई नेम इज रितिका। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको कैसे इस लॉकडाउन में और इस टफ टाइम में हेल्दी रहना है। सो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आई एम सो सॉरी, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आया है, बहुत दिनों के बाद मैं एक्टिव हुई हूँ। मैं अब अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ, सो आप मुझे वहां पे जाकर के फॉलो करो। और अगर आपको मेरा मेकअप लुक देखना है तो वहां पे जाकर के देख सकते हो। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, इट्स ओके, इट्स फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द सेटअप इज या इट्स क्वाइट बेटर। आई नो कि आप लोग समझ गए होंगे कहाँ मैंने सेटअप लगाया। सो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे हेल्दी रहना है, कैसे कुछ स्टेप्स करने हैं, बस कुछ स्टेप्स, दिन में 7 और 8 स्टेप्स करने हैं, जिससे आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, वेट लॉस कर सकोगे और बहुत सारा काम कर सकोगे। सो ये मैंने खुद ट्राई किया है इतने दिनों में, जो भी सारा है मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने खुद से ट्राई किया है। सो या लेट्स गो। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए, इससे हमारी माइंड जो है वो बहुत रेस्ट रहता है और हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स फील करती है। सुबह उठ के बहुत सारे काम भी हो सकते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुबह उठ के आपको वार्म वाटर ज़रूर पीना चाहिए। मैं वेट लॉस पे हूँ तो मैं लेमन ऐड करती हूँ, आप चाहो तो सिर्फ वार्म वाटर पी सकते हो, इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह से पीजिए, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा दिन भर, और इसे रोज़ रेगुलर लीजिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपकी बॉडी इससे बहुत रिलैक्स फील करती है और एक मॉर्निंग स्टार्टअप होता है। रनिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रखती है, आपकी हर्ट की प्रॉब्लम, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो सुबह उठ के आपको ज़रूर टहलना चाहिए। मैं अपनी छत पे ही टहलती हूँ, आप चाहो तो ग्राउंड यूज़ कर सकते हो या फिर अपनी सोसाइटी में ही। एक्सरसाइज के लिए मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिट भी हो तब भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी सारी मसल्स, आपकी हेल्थ एकदम रेगुलर रहेगी, एकदम अच्छी तरीके से चलेगी। इन गर्मियों में हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट 12 ग्लास वाटर पीना चाहिए पूरे दिन में, इससे आपकी स्किन तो ग्लो करती है, आपकी जितनी भी डेड सेल हैं वो भी निकल जाते हैं। आपको कभी भी अपने फेस पे सोप नहीं यूज़ करना है गाइज, आप आयुर्वेद का कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बायोटिक यूज़ कर रही हूँ, ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जो जेल फॉर्म में हो, बिकॉज जेल फॉर्म वाले फेस वॉश आपको कभी हार्म नहीं करते हैं, और बाकी जो आपको डॉक्टर ने बताया हो या जो आपको सूट करता हो वो। सो या ईट वन फ्रूट एवरी डे गाइज, जो भी सीजनल फ्रूट हो या फिर अगर आप वेट लॉस पे हो कोई भी फ्रूट खा सकते हो, आपको एक फ्रूट दिन में ज़रूर खाना है डेली, बिकॉज इससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और फैट में ज़्यादा शुगर नहीं होता, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे हमारे फेस पे ग्लो आता है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो फ्रूट से हमें मिलती हैं, प्रोटीन, विटामिन, जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमें फ्रूट से मिलती हैं, जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ग्लो और एक्टिव महसूस करते हैं। गाइस हमारे स्किन को भी ज़रूरत होती है अच्छे केयर के लिए, तो आप हो सके तो सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जो, या तो घर वाले प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बायोटिक का स्क्रब यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा होता है, उसके बाद मैं एकदम सिंपल सा मास्क यूज़ करूँगी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर से मैंने बनाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन टाइप के लिए। गाइज़ आप हार्मफुल बिल्कुल भी प्रोडक्ट यूज़ ना करें, मैं यहाँ पे जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और इसमें कोई हार्श नहीं होता, और मैं मेबेलिन का लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे जब मुझे मेकअप नहीं करना होता या कोई वीडियो नहीं बनानी होती है। ओके गाइज़ आपको बॉइल्ड फूड खाना है या फिर आप दही भी खा सकते हो, गर्मियों का सीज़न है और आपको
एकदम बॉयल खाना भी खाओ, क्योंकि उससे आपकी जो हेल्थ रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, स्किन ग्लो करती है। गर्मियों में छाछ, दही, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये सब लेते रहना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइज, द लास्ट थिंग इज, आपको कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। I hope you like my video. If you like my video, then thumbs up and subscribe to my channel and press the bell icon. और comment में मुझे जरूर जरूर बताना कि आपको क्या चीज देखना पसंद है। आप मुझे Instagram पे जरूर follow करो, मैं वहाँ पे बहुत active रहती हूँ। So thank you so much. Bye bye.